प्रदेश के और छत्तीसगढ़ में जो आपको यादवों और आदिवासी लोगों को राजपाट दिए हैं भाजपा ने, इस पर क्या बोलिएगा खुशबू जी? देखिए, मोदी जी और भाजपा ने एक चेहरा ढूंढा है जिसको कठपुतली बनाया जा सके लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि एक यादव और एक बैकवर्ड चेहरा है तो वोट दिया जाए, क्योंकि हमारे बिरादरी के लोग अगर बन रहे हैं तो हमारे लिए कुछ भला हो सकता है। लग रहा है कि जातीय जो जनगणना हुआ उससे भाजपा का कुछ डर रही है या कुछ बहुत डर रही है, उसका असर ही है मध्य प्रदेश में मोहन यादव। जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ वो मोदी जी और भाजपा समझ गए कि बिना यादव अब हमारा दाल कहीं पे भी नहीं गलने वाला है। देखो, तोड़ने का काम कर रहे हैं, यादवों को अपने में मिलाने का काम कर रहे हैं और मिलाकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में किया गया है। यादव चेहरा दिखाकर, यादव को मुख्यमंत्री बनाकर वोट ले लिया गया और वोट लेने के बाद वहाँ पे तानाशाही वाली नीति अपनाना शुरू हो चुका है। जो भाजपा यादवों के दे रहे हैं, सब सरकारें बना रहे हैं, ये सब सभी को इज्जत दे रहे हैं। क्या इज्जत वो देंगे? इज्जत दिए नहीं है वो, इज्जत हम लोग छीन के लिए हैं। अच्छा, इज्जत दिया नहीं गया है, हम लोग आज भी लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए। आज याद है ना हाई कोर्ट में, उसके बाद लड़ने के बाद जीत होने के बाद जब दोबारा जातीय जनगणना हुआ था, अगर इनको आपत्ति नहीं थी तो जातीय जनगणना पर रोक लगाने वाले कौन थे? जातीय जनगणना होने के बाद फिर से रोक लगाने वाले, फिर से रिट फाइल करने वाले कौन है? ये मनुवादी, वो 90% पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं और वो सोचते हैं कि आगे भी हम कुंडली मार के बैठे रहे और 10% में परसेंट लड़ते रहे, यही उनकी मंशा होती है। मतलब आपको जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीएन हिंदुस्तान, मैं सोनू कुमार जी। अभी आपको मोहन यादव मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ में जो आपको यादवों और आदिवासी लोगों को राजपाट दिए हैं भाजपा ने, इस पर क्या बोलिएगा खुशबू जी? देखिए, मोदी जी और भाजपा ने एक चेहरा ढूंढा है जिसको कठपुतली बनाया जा सके लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि एक यादव और एक बैकवर्ड चेहरा है तो वोट दिया जाए, क्योंकि हमारे बिरादरी के लोग अगर बन रहे हैं तो हमारे लिए कुछ भला हो सकता है। लेकिन असल में ऐसा कुछ है नहीं। मतलब लग रहा है कि जातीय जो जनगणना हुआ उससे भाजपा का कुछ डर रही है या कुछ बहुत डर रही है, उसका असर ही है मध्य प्रदेश में मोहन यादव। जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ वो मोदी जी और भाजपा समझ गए कि बिना यादव अब हमारा दाल कहीं पे भी नहीं गलने वाला है। बिहार में भी तैयारी शुरू हो चुकी है यादवों को तोड़ने की और अपने में मिलाने की। वो जान रहे हैं कि बिना यादव हमारी राजनीतिक दाल अब गलने वाली नहीं है, तो वो यादवों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, यादवों को अपने में मिलाने का काम कर रहे हैं और मिलाकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में किया गया है। यादव चेहरा दिखाकर, यादव को मुख्यमंत्री बनाकर वोट ले लिया गया और वोट लेने के बाद वहां पे तानाशाही वाली नीति अपनाना शुरू हो चुका है। जो भाजपा का मेन मकसद है तानाशाह लाना, संविधान को बर्बाद करना, लोकतंत्र को खत्म करना, वो शुरू हो चुका है। लोकतंत्र तो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र इससे बहुत, यादव को जो आपको अति पिछड़ा वर्ग को इज्जत नहीं देते थे, बहुत लोग आवाज उठाते थे, लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए बीजेपी बोल रही है कि हम दिए हैं। क्या बीजेपी बोल रही है कि उसको प्रूफ करने के लिए कि आपको हम यादवों के दे रहे हैं, सब सरकारें बना रहे हैं, ये सब सभी को इज्जत दे रहे हैं। क्या इज्जत वो देंगे? इज्जत दिए नहीं है वो, इज्जत हम लोग छीन के लिए हैं। अच्छा, इज्जत दिया नहीं गया है, हम लोग आज भी लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए। आज जो बिहार में जातीय जनगणना जबरदस्ती करवाए हैं नीतीश कुमार, आपको पता है ना कि जब जातीय जनगणना की बात उठी थी तो कितना रेट फाइल हुआ था, याद है ना हाई कोर्ट में, उसके बाद लड़ने के बाद जीत होने के बाद जब दोबारा जातीय जनगणना हुआ था, अगर इनको आपत्ति नहीं थी तो जातीय जनगणना पर रोक लगाने वाले कौन थे? जातीय जनगणना होने के बाद फिर से रोक लगाने वाले, फिर से रिट फाइल करने वाले कौन है? ये मनुवादी, वो चाहते ही नहीं है कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी उनकी उतनी भागीदारी हो। वो 90% पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं और वो सोचते हैं कि आगे भी हम कुंडली मार के बैठे रहे और 10% में परसेंट लड़ते रहे, यही उनकी मंशा होती है। मतलब आपको साफ कहना है कि ये आपको एक नाटक है, एक इसमें जनता भरवाए नहीं। भाजपा में जितने लोग हैं सब नौटंकीबाज है, चाहे वो जो भी हो। आप देख लीजिए ना कि भाजपा का ज्यादा टिकट घुरा फिरा के आर्टिस्ट को देता है, और आर्टिस्ट क्या होता है? जो जीवन भर नौटंकी किया है, जो अपना सब कुछ नौटंकी से बनाया है, वो क्या सच्चाई प्रदर्शित करेगा महाराज? जो लहंगा रिमोट से उठाता है उसे को संसद भवन में बैठाते हैं, जिसको राजनीति का आर नहीं पता होता, पॉलिटिक्स का पी नहीं होता है, उसको वो टिकट दे देते हैं, तो पूरा भाजपा ही नौटंकी का दुकान है। आप देख लीजिए ना, वो सम्राट चौधरी को नमूना बना दिया है। वो कभी बोलता है 1977 में आजादी मिली है, तो कभी कुछ वो बोलता है कि लालू यादव को राजनीति नहीं आता है। उनके जो पिताजी है वो भी राजनीतिक लालू यादव के साथ किए हैं, जाके अपने पिताजी से पूछे इसका मतलब कि लालू यादव क्या थे, उनके पिताजी
घसते रह गए। एगो सांसद बन के रह गए, एगो विधायक 5 बार बन के रह गए, और लालू यादव कहाँ से कहाँ चले गए, पूछे ना अपने अपने पिताजी से पूछे ना वो जाके कि लालू यादव को राजनीति आती थी कि इसको राजनीति आती है। लेकिन ये सब क्या है? लेकिन यादवों को ये तो है, लेकिन लास्ट में एक यादव यहाँ से कैसे उभरे, जो आरोप लगाते हैं कि चारा चोर है, ये सब है, कैसे ये सब उभरेगी आपको जो बिहार में, आपको लालू यादव कैसे उभर पाएंगे जो आरोप लगाते हैं? आरोप से क्या फर्क पड़ता है? लालू यादव के करोड़ों चाहने वाले हैं, विदेशों में लालू यादव के फैन फॉलोइंग है, उनके कहने से ना कहने से क्या ही फर्क पड़ेगा? उनके चारा चोर कह देने से आपको लगता है कि लालू यादव की फैन फॉलोइंग घटेगी? लालू यादव अभी भी कल उतार दीजिए गांधी मैदान में, देखिए लालू यादव से मिलने कितना, क्योंकि यादवों की अब रिस्पेक्ट मिल रहा है बीजेपी में। यह सवाल उठता था कि रिस्पेक्ट मिल रहा है, आने वाले समय में हो सकता है मुख्यमंत्री नहीं देख रहे, मुख्यमंत्री बना दिया गया मोहन यादव, क्या कठपुतली बना दिए तो आप रिस्पेक्ट दे दिए, इसका मतलब द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी जाति से आ गए उनको रिस्पेक्ट मिल गया? अगर वैसा है रिस्पेक्ट मिल गया तो नूह में काहे आदिवासियों को जलाया जा रहा था, काहे आदिवासियों को मारा जा रहा था, काहे नूह में नंगा करके आदिवासी महिलाओं को घुमाया, जो 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 नूह में हुआ, जो मणिपुर में हुआ, वहाँ भी तो आदिवासी के साथ ही हुआ था, मणिपुर वाला में भी था, तब राष्ट्रपति साहिबा का मुंह बंद क्यों था? राष्ट्रपति साहिबा आदिवासी से आती है ना, वो तो आदिवासी को सम्मान दिए थे राष्ट्रपति बना के, और वहाँ सरेआम आदिवासी को नंगा कर दिए, यही सम्मान की आप अपेक्षा कर रहे थे? आप इसी सम्मान की अपेक्षा कर रहे थे? हम तो उस सम्मान की अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि जहाँ पे जिस देश में राष्ट्रपति यानी कि महामहिम प्रधानमंत्री से भी बड़ा पोस्ट होता है राष्ट्रपति का, आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा पोस्ट अगर किसी देश का होता है वो राष्ट्रपति का पोस्ट होता है, उस पोस्ट पे आप आदिवासी को बैठा के और उसी जाति के उसी कौम की महिलाओं को आप नग्न परेड करवा रहे हैं, और आप सम्मान की बात करते हैं? किससे आप सम्मान, किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं जनाब, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझ रही है कि आप सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए, बरगलाने के लिए आप ये प्रोपगेंडा रच रहे हैं, और वो लोग धीरे धीरे समझ भी रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं किस प्रकार से मध्य प्रदेश में ये खेला करने के लिए यादव को मिलाते हैं, यादव को चेहरा भी देते हैं, लेकिन वो जो सामंती सोच खत्म होने वाला नहीं है तो वो बिहार में नहीं चलेगा वो चीज, मतलब बिहार में आने की कोई संभावना नहीं है, संभावना नहीं है। बिहार की जनता बहुत जागरूक है, बिहार वही धरती है जहाँ शिक्षा की धरती है, बिहार लोकतंत्र की जननी भी, आप भी जानते हैं, जिस समय में कहीं पे पढ़ाई नहीं होता था वहाँ हमारा, जिस समय कहीं पे भी नहीं था कुछ स्कोप, वहाँ उस समय हमारा नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विदेशों में प्रख्यात था, याद है ना? तो हमारी बिहार में बहुत है, बहुत बिहार की मिट्टी जो है ना बहुत बहुत ना इसमें बहुत ज्यादा टैलेंट भरा हुआ, तो यहाँ किसी को बेवकूफ बनाना और ऐसे ऐसे ओलझोल यहाँ चलने वाला नहीं है। कितना इज्जत मिलता है सम्राट चौधरी को, जाए ना 50 को खड़ा कर, जूता से मार रहा था और टमाटर से मार रहा था, कहाँ तो गया था। तो अच्छा, भाई हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रमाण है इस बात की, आप जाइए सर्च करिए कि सम्राट चौधरी का वो और कहाँ पे टमाटर फेंक के मारा गया था, बहुत तीसरा वीडियो खुल के आ जाएगा। हम नहीं कह रहे हैं बीजेपी में जाने से नहीं आपको इज्जत मिलेगी, नहीं आपको शोहरत मिलेगा, आपको जो काम है जो रहा है, राम ये चिराग पासवान है ना, अपने आप को हनुमान कहते हैं, क्या किया गया था उनके पिता के साथ, उनके पिता के मूर्ति के साथ, याद है? याद होगा ना शायद, पिता की मूर्ति को कैसे फेंका गया था, यही इज्जत था। तो ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, ये लोग नौटंकीबाज शुरू से ही है, सिर्फ ड्रामा करना अच्छे से जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बिहार में ये नहीं चलने वाला, क्योंकि बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, उनके झांसे में नहीं आने वाले। तो हमारे साथ खुशबू जी थे, जो आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को जो अहमियत दिया गया आपको राजनीतिक में किस तरह से किस मुद्दे को लेकर, आपको देख सकते हैं यादवों को मुख्यमंत्री बनाया गया, आदिवासी लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया, ये सभी खुशबू जी के बोलना है कि ये सब चाल है बिहार में राज लाने की। तब तक कैसा लगा वीडियो कॉमेंट जरूर कीजिएगा, तब तक के लिए देखते रहिए आरबीएन हिंदुस्तान।